कर चुके हैं, बीच प्रकार कर चुके हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और व्यक्ति संधि। आज हम स्वर संधि का चौथा प्रकार जो है यण संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यण संधि की परिभाषा देखते हैं कि यण संधि में होता क्या है। तो जब लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ और री से परे कोई असवर्ण स्वर आता है तो ई और ई य में परिवर्तित हो जाते हैं, उ और उ व में परिवर्तित हो जाते हैं और री र में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए कि ई, लघु ई और दीर्घ ई, इससे पहले असवर्ण स्वर यानी ई और ई से अतिरिक्त कोई स्वर आना चाहिए, अर्थात ई और ई के परे लघु ई और दीर्घ ई नहीं होनी चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? क्योंकि जब समान स्वर आता है तो कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। हम स्वर संधि का पहला प्रकार पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि। उसमें क्या होता है कि एक ही स्वर का समान रूप सामने हमारे आता है तो उसमें दीर्घ संधि होती है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अस्वर स्वर होना चाहिए तभी ई परिवर्तित होगा य में, स्वर बनी य में, और लघु उ और दीर्घ उ परिवर्तित होगा व में, स्वर रहित व में, और ती परिवर्तित होगा स्वर रहित र में। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि ये कैसे संभव है। इसकी संधि विच्छेद हम करते हैं
तीन को प्लस न। नियम क्या कहता है? ई से परे भिन्नस्व, ई से परे भिन्नस्व, ई किस में परिवर्तित हो गया? य में परिवर्तित हो गया। य में को जोड़ेंगे, हमारे पास क्या बचता है? न प्लस य प्लस दिन को प्लस न। न में यह छोड़ो, आधा न य और अर्जुन के करेंगे ना। अनु प्लस एक
ये मिलके क्या बना, पी प्लस त्र प्लस